नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 2 अगस्त को किया गया कन्वेंशन एंटी पार्टी कन्वेंशन था और इसके बारे में पहले ही पार्टी हाईकमान ने वहां पर जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी वहां कन्वेंशन हुआ और वहां जो लोग पहुंचे थे वे आरएसएस, अकाली दल और भाजपा के लोग थे, न कि आम आदमी पार्टी के। ये वही लोग थे जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। इसमें तो मैं अकेला था और पार्टी थी। मीटिंग में यही डिस्कस हुआ है, 13 को अमनीत जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम तैयारी करेंगे। वो जलंधर में आ रहे हैं, उसके बाद वर्कर की मीटिंग होगी, जो जितने अहदेदार हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट के जितने अहदेदार वो वहाँ रहेंगे, मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 15 तरीक ईसडू कॉन्फ्रेंस होगी। भगवंत मान जी आने के सारे MLA आने, स्टेट प्रेजिडेंट आने। एक चीज़ होर देखने को मिली है, महिंदा विंग ने हुण प्रेस वार्ता की, सीधे तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेतावान से आरोप लाते, उन्हों का कहना है कि थ्रैटनिंग किया जा रहा है, इसको लेकर क्या पार्टी आला कमान या फिर तुसी हुण कोई एक्शन लैन वाले आने वाले दिनों? हाले कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, हजे सिर्फ उन्होंने बेनती की गई है भी जे माड़े शब्द ना वरतो, लेकिन इन्ना कुछ बोलने वाला, क्योंकि सिद्धांतों से आधारित सी है पार्टी और महिला नेताओं से अगर यही टिप्पणियां होंगी फिर की मजबूरी है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? खहरा साहब ने नहीं बोलिया, उन्होंने पीए साहब ने बोलिया, खहरा साहब ने बेनती की है भी जे बंद हटा लो तो खराब कर देंगे, उन्होंने उसे बेनती की है भी जे माड़े बंद अपने हटाओ। उसपे मीटिंग करेंगे अभी, लेकिन ये भी कह रहे हैं मीटिंग करेंगे अभी उस मुद्दे पे। ये भी कहा गया कि अगर हमें मुख्तियारी खुद 7 दिन के अंदर नहीं देती तो फिर हमारा आगे का एक्शन भी रहेगा। बठिंडा कन्वेंशन के कई बयान जो है वो इस तरह के अब निकल के सामने आ रहे हैं। 7 दिन का जो समय दिया था पार्टी आला कमान को कि अपने फैसले को रिवाइव किया जाए, और जो पार्टी की मीटिंग ही थी वो तो एंटी पार्टी मीटिंग थी, वो तो एंटी पार्टी कन्वेंशन थी, इसलिए उसका कोई बतों के साथ कोई साडा उधर संबंध नहीं है। उन्होंने पोस्टर छपाया केजरीवाल साहब का सिगर नाले, ये बोले पार्टी ने, मैं कहता हूं पहला स्पष्ट करता हूं एंटी पार्टी एक्टिविटी से कोई संबंध नहीं पार्टी ना हो सकता, लेकिन पार्टी की मजबूरी है। मेरी गल सुनो, कर भी कर भी समझा रहे हैं उन्होंने, सी वो व्यक्ति को समझा रहे हैं, MLA साहबान को समझा रहे हैं कि तुम ये जड़ी एंटी पार्टी एक्टिविटी छोड़ दो तो साडे नाल आओ, वो आ जाएंगे साडे नाल। उन्होंने क्लियर करता है कितना टाइम फ्रेम दिया उनको समझाने के लिए, कितना टाइम, कोई डेडलाइन दी होगी? कोई डेडलाइन नहीं समझा लेंगे उनको, वो अच्छे आदमी सब लोग। डॉक्टर गांधी बारी को डेडलाइन नहीं दी गई थी? इस क्राइसिस से पार्टी और मजबूत होगी, देखना आप आगे। लकीर मिट जाएगी क्योंकि खहरा साहब बड़े सियाने ने, बड़े सूझवान ने, असीं समझा के वापस लिया रहे हैं, उन्होंने बाद गलबात चल रही है। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि पंजाब के फैसले जो पंजाब में होने चाहिए, आप उनकी क्या समर्थन करते हैं? देखिए पंजाब के फैसले पंजाब के होए रहेंगे, सारे MLA साहबान ने लिख के भेजा सी, 15 MLA साहबान ने दस्तखत किए थे कि यह फैसला इदा होना चाहिए, उस तरह होया गया, हुण जे किसी का वह चले जाता उन्होंने गुस्सा होंगे ही है। तुसी क्या भाई इस पूरे उदे बाद पार्टी मजबूत होएगी, लेकिन जिहड़ा लोकां च विश्वास सीगा वो टुटदा नहीं पिया? नहीं बिल्कुल टुट रहा, मैं उही गल कह रहा भी नहीं विश्वास टुट रहा, लगातार पार्टी मजबूत हो रही है। अज सारे जिला प्रधान बैठे ने, स्टेट के जिन्ने अहदेदार ने, सारे मीटिंग चल रही है, पार्टी बिल्कुल मजबूत है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो लगातार इस्तीफे दे रहे हैं, आप मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप 13 तारीख को आ जाइए, वहाँ पे देख लीजिए पार्टी के सभी अहदेदार वहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो ये सारे लीडर भी होंगे जी? सभी लीडर होंगे वहाँ पे, हम उनको अपील करेंगे वो भी आए वहाँ पे। जलंधर 13 तारीख 11 बजे कोई इशू खन्ना दे। अश्विनी।